हम अभी कोसी बराज पर हैं और आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक जितना भी आपको दूर तक दिखाई दे रहा है वो पानी ही पानी है, और हम एकदम से बहुत ही भयावह दृश्य, और आसमान में बादल भी है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो ये है कि वो ये है कि बराज रात 12 बजे के बाद से लगभग 1,75,000 क्यूसेक पानी का दबाव जो है वो कम हुआ है, डिस्चार्ज घटा है। रात में लगभग 3,90,000 डिस्चार्ज था, लेकिन अभी जो दिन के 12 बजे जो है वो डिस्चार्ज जो है वो घट करके 2,24,000 पर आ गया है, और 1,500 क्यूसेक पानी जो है वो पूर्वी कोसी कैनाल में है और 500 क्यूसेक डिस्चार्ज जो है वो पश्चिमी कोसी कैनाल में है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आने जाने वाले का काफ़ी भीड़ भी है, और इस भीड़ के आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जितना भी दूर तक नज़र जा रहा है वो पानी ही पानी है। तो काफ़ी मात्रा में पानी और ऊपर आसमान में बादल भी है। तो आप देख रहे हैं ये नज़ारा कोसी बराज से, दिन के लगभग 12 बजे हैं अभी। तो बहुत ही, हालांकि अब खतरा जैसी कोई बात नहीं है, रात में बहुत ही खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा था ये नदी। तो आप देख रहे हैं दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक जो है वो पानी ही पानी है, और ये नदी का जल जो नेपाल की तरफ से आती है, तो बराज से पहले का ये दृश्य है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। और ये फाटक बंद है आप देख सकते हैं, और सामने से जो फाटक है वो खुली हुई है, लगभग 30 फाटक ओपन है अभी। और इधर जो सामने देख रहे हैं ये सभी फाटक बंद है, गिरी हुई है, और सामने भी आप देख रहे हैं कि और बराज पर काफ़ी संख्या में भीड़ है, लोग सशंकित हैं, आसमान में ऊपर बादल भी है, और आप देख रहे हैं। तो कोसी बराज भीमनगर में है, और आप देख रहे हैं ये जो सामने है वो कोसी का पानी है जो दूर दूर तक फैला हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और ये कोसी बराज का दृश्य है, सामने बादल लगा हुआ है। ये थोड़ा सा चिंताजनक खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि कल की तुलना में आज लगभग 2.25 लाख क्यूसेक पानी का दबाव कम हुआ है बराज के ऊपर, और आज का 12 बजे का डिस्चार्ज लेवल जो है वो 2,24,000 क्यूसेक है। 1,500 क्यूसेक पानी पूर्वी कोसी कैनाल में है, और 500 क्यूसेक पानी जो है वो पश्चिमी कोसी कैनाल में है। तो आप ये देख रहे हैं कोसी के बराज पर हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, खतरा टलता जा रहा है। रात में बहुत अधिक खतरा था जब लगभग 4 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज नदी के ऊपर आ गया था। तो ये थोड़ा सा एक तनावपूर्ण खबर था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है।